एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं खो खो गेम के बारे में। और अगर आप किसी भी गेम के बारे में पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो आपको कुछ चीज़ें ही पढ़नी होती हैं उस गेम के बारे में। लाइक उस गेम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है, वो गेम जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, उस गेम की जो फेडरेशन है वो कब बनी है, उसके जनरल रूल्स के बारे में पढ़ना है, उसका जो कोर्ट एरिया है या फिर प्लेग्राउंड है उसके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, एंड लास्टली उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है और उसमें कितने रेफरीज होते हैं। अगर खो खो की बात करें तो ये गेम जो है वो पुणे महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। हमारे जो भी इंडिजिनस गेम है, चाहे वो खो खो है या कबड्डी है, ये सारे गेम्स जो है वो महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि इन गेम के जो रूल्स हैं या फिर जो गेम डेवलप हुए हैं वो हुए हैं HVPM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा, जो कि 1914 में एस्टैब्लिश हुआ था। HVPM 1914 में एस्टैब्लिश हुआ था और उसने ही जो हमारे इंडिजिनस गेम हैं उनको डेवलप किया, उनके रूल्स बनाए, उनको प्रमोट किया। तो जो भी हमारे खो खो या कबड्डी जैसे गेम हैं उनका जो ओरिजिनेशन है वो महाराष्ट्र से हुआ है। और ये गेम में जो खो खो वर्ड है, उस खो का जो मतलब है वो होता है स्टैंड अप एंड रन या फिर कैच एंड रन, इस तरह के मतलब जो है उस खो का मतलब होता है खो खो के गेम में। खो खो के जो रूल है वो HVPM द्वारा बनाए गए हैं और इसकी जो फेडरेशन है यानी KKFI खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया वो 1955 में बनी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि जो खो खो की फेडरेशन है वो कब बनी है। खो खो जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ गेम है। सबसे पहली बार खो खो का डेमोंस्ट्रेशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो हुआ वो हुआ था 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में, जब HVPM जो है वो अपने इंडिजिनस गेम को प्रमोट करने के लिए वहां पे उसने अपने गेम्स का प्रमोशन किया था, तब सबसे पहली बार जो है वो ओलंपिक में वहां पे उसका डेमोंस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद अभी भी जो खो खो है वो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। और बात करें इसके आगे तो जो ओलंपिक है वो 1982 एशियन गेम्स इंडिया में भी शामिल हुआ था, जब एशियन गेम्स इंडिया में कराए गए थे। सिर्फ एक बार ही जो खो खो है वो एशियन गेम्स में शामिल हुआ है, दैट इज 1982 जब वो इंडिया में हुआ था। उसके बाद 1996 में जो है वो फर्स्ट एशियन खो खो चैंपियनशिप हुई थी, जो कि हुई थी कोलकाता इंडिया में। उसके बाद 2000 में जो नेक्स्ट खो खो चैंपियनशिप हुई वो हुई बांग्लादेश में मियापुर में, एंड यहाँ पर ये जो चैंपियनशिप है ये इंडोर कराई गई थी। फिर बात करें खो खो के ग्राउंड के बारे में, तो इसका जो ग्राउंड का टोटल एरिया है या फिर टोटल डायमेंशन है वो है 27 मीटर बाई 16 मीटर, यानी 27 मीटर लंबाई होती है और 16 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगर हम इसके पूरे प्लेइंग एरिया की बात करें तो इसमें साइड में 1.5 मीटर की लॉबी दी होती है, अगर हम उसको भी ऐड कर दें तो टोटल एरिया हो जाता है 30 मीटर बाई 19 मीटर, यानी इसका पूरा टोटल एरिया अगर हम बात करें तो वो होता है 30 बाई 19 मीटर। और अगर हम सिर्फ खो खो के एरिया की बात करें या खो खो के कोर्ट की बात करें तो वो होता है 27 मीटर बाई 16 मीटर। फिर यहाँ पर एंड लाइन के बाद में जो पहली लाइन होती है वो होती है 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे, और इस एरिया को हम कहते हैं फ्री जोन। फ्री जोन में जो भी चेजर है उसे अपना डायरेक्शन बदल सकता है, वहां पे किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है फ्री जोन में। उसके बाद इस 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर एक वुडन पोल होता है, और इस पोल की जो हाइट है वो होती है 1.22 से 1.25 मीटर। दोनों ही साइड इस तरह के दो पोल लगे होते हैं, दोनों ही एंड लाइन से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी जो ये 1.5 मीटर है ये है आपका फ्री जोन। यहाँ इस एंड लाइन से भी 1.5 मीटर पे और इस एंड लाइन से भी 1.5 मीटर पर फ्री जोन होता है, और इसके सेंटर में होता है ये वुडन पोल जिसकी हाइट होती है 1.22 से 1.25 मीटर। और यहाँ पर जो सेंटर लाइन है, ये लाइन पोल टू पोल जो डिस्टेंस है वो होती है 24 मीटर, और ये जो सेंटर लाइन है इसके बीच की जो विड्थ है वो होती है 30 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसका डायमेंशन होता है 24 मीटर बाई 30 सेंटीमीटर इस सेंटर लाइन का। फिर यहाँ पर 8 सिटिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि जो प्लेयर है उसमें 9 प्लेयर्स जो है वो एक बार में खेलते हैं, तो जो सिटिंग ब्लॉक है उसका डायमेंशन होता है 30 × 35 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होता है। और ये जो क्रॉस लाइन्स होती हैं इन लाइन्स की लंबाई होती है 16 मीटर और इनकी जो चौड़ाई है वो होती है 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो लाइन है इसकी चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर, और जो पहली क्रॉस लाइन है यानी जो यहाँ पे फ्री जोन की लाइन है उसके बाद जो पहली क्रॉस लाइन है वो बनी होती है 255 मीटर पे,
उसके बाद जितनी भी क्रॉस लाइन्स हैं वो बनी होती हैं 230 मीटर पे। इस एंड से भी जो पहली क्रॉस लाइन है वो 255 मीटर पे होती है और बाकियों के बीच में जो डिफरेंस है वो 230 मीटर का होता है। सो ये इसके बेसिक मेजरमेंट्स हैं जो कि आपको याद रखने। यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं 12 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, 9 जो है वो खेलते हैं, 3 जो है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। यहाँ पर गेम ड्यूरेशन की बात करें तो 9 मिनट की एक इनिंग होती है और एक टीम जो है वो 2 इनिंग्स खेलती है। यहाँ पे ऑफिशियल्स की बात करें तो टोटल 6 ऑफिशियल्स होते हैं जिसमें 2 अंपायर होता है, 1 टाइमकीपर होता है, 2 स्कोरर और 1 रेफरी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।